इस वक्त पटना से खबर आ रही है जहां भारी हंगामा हो रहा है। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर गांव वालों ने हमला बोल दिया है। आगजनी की खबरें आ रही हैं वहां से। इस वक्त हिंसक झड़प हो रही है गांव वालों के बीच और पुलिस के बीच, और जो पूरी टीम गई थी अतिक्रमण हटाने के लिए, आप देख सकते हैं किस तरह से वहां नुकसान पहुंचाया गया है, आगजनी को अंजाम दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े पैमाने पर वहां हिंसा हुई है, कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया, पथराव हुआ है। तो अतिक्रमण हटाने गई टीम के बुलडोजर किस तरह से, जहां तक समझ पा रही हूं मैं तस्वीरों में, ये बुलडोजर दिख रहे हैं, बुलडोजर को कैसे फूंक दिया गया है, जीप को फूंक दिया गया है। तो एक बड़ी हिंसा अंजाम दी गई है अतिक्रमण हटाने गई टीम पर। रजनीश सिन्हा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रजनीश, ये तो एक बड़ा मामला होता हुआ नजर आ रहा है, कई गाड़ियां, एक दो नहीं कई गाड़ियां वहां पे आग के हवाले करी हुई दिख रही हैं। चलिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, पटना की ये तस्वीरें आई हैं, आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कैसे नाराज लोगों ने जेसीबी मशीन में आग लगा दी है। एक पुलिस की जीप भी ऐसा लग रहा है वाहन को देखते हुए कि शायद वो जीप है जिसको आग के हवाले कर दिया गया है। पुलिस की टीम वहां अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी, और अतिक्रमण हटाने वाली जो टीम थी उसके साथ क्या पुलिस बल जो है वो पर्याप्त मात्रा में था या नहीं, क्या सुरक्षा का बंदोबस्त था कि नहीं, क्या गांव वाले अगर शुरुआत से विरोध कर रहे थे इस अतिक्रमण हटाए जाने का, तो फिर इस अवैध कब्जे को हटाए जाने के लिए जो एहतियातन कदम उठाए जाते हैं, जिस तरह की चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए थी अगर वो नहीं थी तो लापरवाही क्यों बढ़ती गई है, क्यों ये सब कुछ होने दिया, क्यों उपद्रव फैलने दिया, ये कई सवाल हैं जो अभी उठ रहे हैं। लेकिन ये नौबत क्यों आई है, वहां पे आपको पुलिस वाला कोई नहीं दिख रहा है। जरा हैरानी की बात देखिए कि कोई पुलिस वाला इन तस्वीरों में नजर नहीं आ रहा है, गांव के लोग ही आपको नजर आ रहे हैं, स्थानीय लोग, आसपास के लोग जो वहां से गुजरने वाले राहगीर हैं वो रुक रुक कर देख रहे हैं कि आखिर क्या हुआ है। लेकिन सवाल यही है कि क्या अतिक्रमण हटाने गई टीम अपने साथ जरूरी सुरक्षा बलों की तादाद नहीं लेकर गई थी, क्या उन्हें एहसास नहीं था कि गांव वाले इस अवैध कब्जे को हटाने का विरोध करेंगे, और मुद्दा क्या था, ये तमाम पहलू जैसे हमें और ज्यादा अपडेट मिलेगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त पटना से आती हुई, अवैध कब्जा हटाने गई टीम पर हमला बोला है। रजनीश सिन्हा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रजनीश, पटना के किस इलाके के आसपास के कहां की ये घटना है, और क्या अतिक्रमण हटाने वाली टीम अपने साथ पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल नहीं लेके गई थी कि ये स्थिति हो गई, और तस्वीरों में हमें सिर्फ लोग दिख रहे हैं, पुलिस कहां है? बिल्कुल विनाश, देखिए ये इलाका है पटना के राजीव नगर का, जहाँ पर करीब 1000 एकड़ से जुड़ी हुई जमीन का एक पूरा मामला है। पिछले कई सालों से 4 दशक से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और पुलिस और सरकार का कहना है कि लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, इन्हें हटाया जाए। जबकि जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनका ये कहना है कि हमें ना मुआवजा मिला ना नोटिस मिला, ऐसे में हम जमीन कैसे खाली कर दें, काफी बड़ा इलाका है, 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास की यहाँ आबादी है। और आज जब पुलिस यहाँ पर पहुंची तो लोग पहले से प्रोटेस्ट कर रहे थे, 1 घंटा तक यहाँ पर एक तनातनी की स्थिति रही, और उसके बाद ये पूरा हंगामा शुरू हुआ। 3 मशीन ये लोग बुलडोजर मशीन तनाज लेकर आए थे, जिन्हें भीड़ ने आग के हवाले किया, और इनका ये कहना है कि पुलिस अगर हमने जबरन हटाने की कोशिश करी उन पर फायरिंग की गई है, और साथ ही लाठीचार्ज भी किया गया। तो इस पूरे मामले को लेकर पूरा हंगामा है इस वक्त, और यहाँ पर अभी भी हजारों लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। जी, तमाम अपडेट के लिए रजनीश आपका शुक्रिया।